Okay students, now let us start with the grammar sections. You all know what we are learning in grammar? Yes, we are learning singular and plural. Okay, students, you all know what is singular noun? Yes, a singular noun is the name of one person, place or thing. जब हम एक person, place और thing के बारे में बात करते हैं, हम वो singular noun कहता है. प्लूरल नाउन्स आर नेम ऑफ मोर देन वन पर्सन प्लेस और थिंग. जब हम एक से ज्यादा के बारे में बात करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? प्लूरल नाउन. स्टूडेंट्स, यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू सम टू रूल्स. लेट अस रिवाइज दोस टू रूल्स एंड वन मोर रूल इज देयर. एक और रूल है. सो टूडे वी विल लर्न वन मोर रूल. ओके, रूल नंबर वन, एड एन एस एट द एंड ऑफ द वर्ड. This we have learned yesterday. Add an S at the end of the word. हमें word के आगे S add कर देना है जब हमें singular से plural बनाना होगा. For example, park. अब park is singular. Park word क्या है? Singular. एक park की बात हो रही है. जब हम बहुत सारे park की बात करेंगे तब हम उसके आगे S लगा देंगे और बोलेंगे parks. तो sound किसकी आई? S की. Parks. तो यहाँ पर हम बहुत सारे पार्क्स की बात कर रहे हैं इसलिए हम इसको प्लूरल में लेंगे, पार्क्स. ठीक है. सेकेंड रूल इज इफ द वर्ड एंड्स विद एस. अगर वर्ड एस, एस एच, सी एच और एक्स इनसे एंड हो रहा है तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे? ई एस. क्या एड कर देंगे? ई एस. फॉर एग्जाम्पल, सिंगुलर वर्ड इज ग्लास. अब ग्लास, ये एस किस, लास्ट वर्ड क्या है इसमें? एस. और हमारा सिंगुलर प्लूरल में रूल क्या कहता है? जब वर्ड एस से एंड होगा तो हम उसके आगे क्या लगा देंगे प्लूरल बनाने के लिए? ई एस. जब हम एक ग्लास की बात करेंगे तब हम सिंपल ग्लास लिखेंगे. जब हम बहुत सारे ग्लास की बात करेंगे या एक से ज्यादा, सपोज दो ग्लास है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? ग्लासेस. तो उसके आगे हमारा क्या लग जाएगा? ई एस. I hope you all got it. These two rules, great. Now let us move to the third rule. Third rule is if the word ends with a consonant or y, remove y and add ies to the end of the word. अब इसमें क्या है रूल में? जब हमारा वर्ड किसी कॉन्सोनेंट या फिर y से एंड हो रहा है, लास्ट में वर्ड क्या है? y. तो हमें इसमें क्या करना होता है? y को तो हटाना है, y को हटाना है और उसके बदले ऐड क्या करना है? आई ई एस. क्या ऐड करोगे? आई ई एस. रूल नंबर थ्री, फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर है बेबी. हम एक बेबी के बारे में बात कर रहे हैं सो इट इज रिटन बेबी. अब हमें इसको प्लूरल बनाना है, बहुत सारे बेबीज की बात कर रहे हैं. अब इसमें हम क्या करेंगे? y को तो हम हटा देंगे और प्लूरल में आई ई एस एड कर देंगे. तो बेबी का क्या हो गया? बेबीज. ओके, आई होप यू ऑल गॉट इट. ऑल दीज थ्री रूल्स, सबको ये थ्री रूल समझ आ गए. फर्स्ट रूल इज वी विल एड एस टू द प्लूरल वर्ड. सेकेंड इज वेन द वर्ड एंड्स विद एस, एस एच, सी एच और एक्स, वी विल एड ई एस. हम ई एस एड कर देंगे जब हम प्लूरल में कन्वर्ट करना होगा. If the word ends with consonant or y, we will remove the y and add ies. हम y को हटा देंगे और उसमें ies and लगा देंगे अगर हमें उसे plural बनाना है word. Got it? Great. Now students, take out your notebook. I will write some words. You have to write down in your notebook. Great. Okay. Now you can see this. I have written on the whiteboard. You have to note down in your notebook. What is the plural for the following noun? अब आपको इसमें plural बताने हैं क्या होंगे. Okay, singular and plural. You have to divide it into two parts. दो parts में divide करोगे. First word is park. Now what is the plural of park? Yes, you all know. It is parks. We will add s to it. Next, swing. Yes, we will add s. It becomes swings. Glass. Glass will become glasses because the end word is s. So we will add es to it. Brush. Now brush
and it's end with sh. So what we will add? Es. It becomes brushes. Next word is butterfly. Now it's end with y. Y se end ho raha hai, so we will remove the y and add ies. So it becomes butterflies. I hope you all have copied on these. Great. Now with this we end up grammar sections. Now we will start with the writing and speaking comp. In writing and speaking, today we are going to learn about CAF strategy. I will write down what is CAF strategy on a whiteboard. Okay students. Now, what is CAF? CAF is C, correct all the spelling. Suppose you have to write a sentence. So, you should know what is CAF strategy. अगर आपको कोई proper sentences लिखने हैं, तो आपको CAF strategy मालूम होनी चाहिए. So, C stands for correct all the spellings. अगर आप कोई भी sentence लिख रहे हैं, आप उसमें पहले देखें कि आपने सारी spellings सही लिखी हैं. अगर नहीं लिखी है तो आप अपनी स्पेलिंग्स को करेक्ट करेंगे. ओके, सपोज आई हैव रिटन दिस इज माय मदर. सो इन दिस आई हैव रिटन स्पेलिंग ऑफ माय इज एम आई ई. मैंने माय की स्पेलिंग एम आई ई लिख दी है. तो पहले मैं देखूंगी मेरा सेंटेंस में स्पेलिंग सबकी सही है या नहीं. अगर मेरी स्पेलिंग माय की गलत है तो मैं उसको सही करूंगी. आई विल राइट एम वाई. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज ए, एड मोर न्यू वर्ड्स. हमें न्यू वर्ड्स को एड करना चाहिए. जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, हमेशा एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए. हमें उसमें एक नए वर्ड्स को एड करना चाहिए. सपोज आई ईट विद माई मदर, मैंने ये सेंटेंस लिखा. अब नेक्स्ट टाइम मैं इसको थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए इसमें कुछ एड कर दूंगी. फॉर एग्जाम्पल, आई ईट अ येल्लो मैंगो विद माई मदर. मैंने येल्लो मैंगो अपने मदर के साथ खाए, तो इसमें मैंने क्या ऐड करा? येलो मैंगो. तो थोड़ा इससे सेंटेंस इम्प्रूव होते हैं. नेक्स्ट इज फॉलो द सेंटेंस स्ट्रक्चर. हमेशा जब आप सेंटेंस लिखते हो, अपने सेंटेंस को देखो कि वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं. अगर नहीं हो रहा तो उसको कंप्लीट करो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव रिटन दिस इज डैश, इट कैन डैश. आपको कुछ समझ आया? नहीं. अगर मैं लिखूं दिस इज अ डॉग, इट कैन जम्प. अब आपको समझ में आया कि ये एक डॉग है और ये जम्प कर सकता है. सो हमेशा फॉलो द सेंटेंस स्ट्रक्चर. सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा प्रॉपर होना चाहिए कि हम जो अपनी बात बोलना चाह रहे हैं वो प्रॉपरली बोल रहे हैं या नहीं. ओके, सो व्हेनेवर यू राइट अ सेंटेंस ऑलवेज रीड इट ट्वाइस. हमेशा उसको दो बार रीड करो. पहले उसमें अपनी स्पेलिंग्स चेक करें. सेकेंड स्टेप इज अगर आपको लगता है उसमें आप और वर्ड्स यूज करके उसको और अच्छे से लिख सकते हो तो एड मोर न्यू वर्ड्स. थर्ड इज फॉलो द सेंटेंस स्ट्रक्चर. अपने सेंटेंस को अच्छे से देखो कि वो प्रॉपर लिखा है, प्रॉपर समझ आ रहा है कि आप क्या बताना चाह रहे हो. विद दिस वी एंड अप राइटिंग एंड लिसनिंग सेक्शन ऑल्सो. एंड थैंक यू स्टूडेंट्स.